तो भैया ने यहाँ पे सारे कलेक्शन उठा लिए, तो मुझे आप एक एक करके बता दो ना। तो भैया यहाँ पे एक एक करके फिश ट्रांसफर कर रहे हैं। तो गाइज मेरे पास ये है, इससे मैं मिट्टी खुदाई करने वाला। फोटो कार्ड तुम्हार कोलकाता से लाकर फाइनली फिश डाल भी दिया। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि मिलिंद रामदास घाटे ने ये वाला जो है मेरे लिए पिक्चर बनाया था, जो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बॉल पेन से बनाया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल आइडेंटिकल लग रहा है और इतना ज़बरदस्त, इतना टाइम स्पेंड करके बनाया। सो थैंक यू सो मच मिलिंद रामदास घाटे वंस अगेन। तो दोस्तों पार्ट टू में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि कोई का कलेक्शन अगर आप देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं खुद देख कर, मतलब आप कलर्स देखो इनका, ओ वाओ। तो भैया एक एक करके सब बताने वाले हैं कि कौन से क्या फिश है और कहाँ से आए हुए हैं, और यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। तो कितने पीस होंगे टोटल यहाँ पे? यहाँ पे 180 पीस है। 180? हाँ। तो ये आपका सेलिंग के लिए सारा? हाँ, ना सब सारे सेलिंग के। और ये ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी इसका? हाँ, भी है। हाँ, एकदम एकदम एकदम। ठीक है, आप मुझे आप सामने से दिखाना। तो भैया यहाँ पे एक एक करके फिश ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट वाला भी है और प्योर ब्लैक में भी है। कलेक्शन तो जबरदस्त है। ये कबूतर है क्या? हाँ कबूतर एकदम। अच्छा हाँ, ये काफी सुना है मैंने। तो गाइस कैसा लग रहा है देखो यार। तो भैया ने यहाँ पे सारे कलेक्शन उठा लिए, तो मुझे आप एक एक करके बता दो ना। तो इसमें जो कलेक्शन अभी है, एक कोआकू है रेड एंड वाइट। ओके, इसको कोआकू कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आगे एक कबूतर, ये ह्यूमन फेस भी इसको कहते हैं। अच्छा, ये बहुत वायरल है यूट्यूब में वीडियो। बहुत ज्यादा ये कबूतर, मतलब क्यों इतना फेमस क्यों हो रहा है, मतलब पॉपुलर क्यों हो रहा है? इसका कलर ही देखो ना, मतलब पूरा ब्लैक एंड हेड का पल्स दो जैसा, येलोइश। ये मिक्स ब्रीड है किसी का? हाँ नहीं, मिक्स ब्रीड नहीं है किसी का। ओके, ये नॉर्मली ऐसे ही कलर है, इस बार नए वैरायटीज आया हुआ है इसीलिए कलर ऐसा है। ठीक है, एंड उसका फुल ब्लैक। फुल ब्लैक? हाँ फुल ब्लैक को, ये फुल ब्लैक है। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, फुल ब्लैक है। एंड इसका बाद आ गया इसका ब्लैक एंड वाइट। सही है, इसका अप्रोक्स यहाँ पे जितना भी है ना, हमें पॉन्ड में क्या है ना, पूरा एल्गी भरा हुआ है, तो पॉन्ड से दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाया। अच्छा, क्या जैसे हम लोग बोल में उठा के दिखा रहे हैं। राइट सर, इसमें आगे यहाँ पे ट्राई कलर। ट्राई कलर? हाँ। इनके क्या साइज है सबके? यहाँ पे 5 to 5.5 inch। एंड कबूतर जो है ये आपका 4 to 4.5 inch। अच्छा, कबूतर थोड़ा छोटा है, बाकी जितना वराइटीज है यहाँ पे 5 to 5.5 inch का साइज है। तो भैया थोड़ा खाना दे रहे हैं, ये मुझे देखना है। डरे हुए क्या सब? हाँ अभी थोड़ा नेट से। हाँ और डरा हुआ क्या? अभी ठीक हो जाएगा, तब आ जाएगा। बाप रे, ये तो ज़बरदस्त लग रहा है देख के। अभी आप इनके कलर्स देख पा रहे हो, क्या वाइब्रेंट कलर है। सब उठा के दिखाना पॉसिबल नहीं होता। नहीं पॉसिबल। हाँ। है सही है दोस्तों, आप लोग भी ऐसा कुछ टैंक बना लो और इस तरीके से मछलियाँ पालो, मतलब कि कोई फिश स्पेशली। खाना कितने टाइम देते हो? एक ही टाइम देते हैं। एक ही टाइम? हाँ। तो अभी मैं आया हूँ अंदर वाले टैंक में, यहाँ पे तो बहुत ही बड़े बड़े हैं। ये वही वाले हैं कोई? नहीं, ये तो अलग अलग वैरायटीज का यहाँ पे है। हाँ, जैसे आपका बता रहा है यहाँ पे ब्लैक कोई बड़ा है, और आपका ये जो है ये भी 24 कैरेट गोल्डन मेटैलिक, इसका नाम। बाप रे। अच्छा, जैसा ये जो फुल गोल्डन वाला जो आ रहा है, ये 24 कैरेट गोल्डन है, और ये जो आ रहा है ये स्नेक स्किन है, ऑरेंज स्किन पे। अच्छा, हाँ स्नेक स्किन है, उसका ऊपर का थोड़ा स्केल का पैटर्न अलग है। और ये भी कोआकू भी है रेड एंड वाइट, इस प्लैटिनम इसको ओवन कहते हैं, प्लैटिनम होता है वाइट वाला। ठीक है, तो भैया को मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक हमें पकड़ के दिखाओ बड़ा वाला। जैसे उस ऊपर का देखो इसका पैटर्न जो है ना, इसलिए मतलब पूरा बॉडी में इसका स्केल नहीं है। अच्छा, सिर्फ ऊपर है? सिर्फ ऊपर है, पूरा बॉडी में स्केल नहीं है, सिर्फ ऊपर है। सही, जैसा लड्डू उठने आ गया। ये बहुत सुंदर है। चलेगा, ये कोआकू है, रेड एंड वाइट कोआकू में ही है। ये कितने साल का होगा ये? अभी 6 to 7 months का। मुझे क्या बात करो, इतने बड़े हो गए? इतना बड़ा होता है, तो मेरा जगह का स्पेस कम है इसलिए, और जितना बड़ा स्पेस होगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अरे आपका आगे 24 कैरेट गोल्डन, जैसे तुमने पूछे एरोन जो लगे थे, 24 कैरेट सिन गोल्डन है, ये गोल्डन कोई है। ये है आपका प्लैटिनम हो गोल्ड, पूरा वाइट होता है, पूरा बढ़िया लग रहा है। आपका मिल्की कोई कार नहीं लग गया? यहाँ पे कुछ है तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं थोड़ा। देख के ही मजा आ रहा है मेरे को सच में, कौन सा देख लग रहा है कि मैं ले जाऊँ सर। कबूतर तो काफी बड़ा है यहाँ पे,
मेरा भाई है एक, वो देख के पागल हो जाएगा। उसने मुझे बोला हुआ है कोई फिश का मतलब दीवाना है वो, तो उसको बहुत मजा आएगा। सही है, पर पानी क्या साफ करते रहते हो? हाँ, फिल्टर चलते रहता है, हर रोज का 89 रुपए पानी चाहिए, हर रोज रोज करना ही पड़ेगा इतना फ्रेशनर क्वालिटी। और ये लास्ट बहुत बड़ा टैंक है जिसमें काफी बड़े बड़े फिश दिख रहे हैं। कोई फिश ये बात है, क्या साइज है इनका? ये कितने मन से यहाँ पे? ये अभी 2-3 महीने का ही आया हुआ है, बड़ा साइज का आया हुआ था। लेकिन इनका क्या एज होगा? इससे अप्रॉक्स 1.5 से 2 साल। बहुत बड़े हुए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एकदम ए ग्रेड क्वालिटी का है, कुछ पीस एकदम ए ग्रेड क्वालिटी का है, अच्छा देख के भी। बाकी जितना बाहर का है उससे डबल अच्छा क्वालिटी का है। तो अभी सीधा लेके चलता हूँ मेरे बैकयार्ड में। तो गाइस यही सब कोई फिश मैं लेकर आया था 6, वो मैंने डाल दिया, आप लोगों ने देखा है शॉर्ट में भी। और मैं अभी जो है इन कोई फिश को खाना देने वाला हूँ। और पीछे देखो, आ जाओ पीछे देखो, दो नए मेहमान दौड़ते हुए आ रहे। मछली देखना है तुम लोग को? देखना है ना, आ जाओ। तो गाइस ये लोग आए हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत श्रिम्प जो है ले रहा हूँ और हम इन फिश को खाना देंगे। तो आप देख पाओगे थोड़ा भिगा देंगे क्योंकि काफ़ी सारे फिश है ना, तो थोड़ा देना पड़ेगा। देखो हमारे ये श्रिम्प, इनको थोड़ा पीस कर लेते हैं। ओ माय गॉड, आ चुका है सुब्रजीत। क्या आज ये जा रहा है हमारे घर अभी, और ये लोग भी आने वाले हैं। आज मेरी भांजी का बर्थडे है, मेरी नीस का बर्थडे है। तो गाइस मैं सोचा था कि मेरी नीस का बर्थडे जो है मेरे 100K पे होता, बस आज 29th है और मेरा 94K कुछ है आई थिंक, और 3-4 दिन रुक जाते तो एक साथ सेलिब्रेट कर पाते थे बढ़िया से। लेकिन इट्स ओके, 100K का सेलिब्रेशन अलग से होगा। और 100K में क्या क्या होने वाला है वो भी आप लोग को बताऊँगा, काफ़ी कुछ होने वाला है और मैं गिव अवे भी करने वाला हूँ। एंड क्या और भी कुछ कुछ आ रहा है जो मैं शॉर्ट्स में बताने वाला आप लोग। जो भी है ये देखो मैंने भिगा दिया है, और थोड़ा सा पहले यहाँ से खाना देते नीचे से ताकि इनको हम अपने पास बुलाए। और ये पाउडर वाला खाना हमारे छोटे फिश एंजल वगैरह के लिए हो जाएगा। तुम्हें कहते थे बार भी नामी दूर दे दी, ठीक है? तो इस क्योंकि नेट लगाया हुआ है गाइस तो ये दे नहीं पाएगी, यहाँ पे देते हैं और देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। तो गाइस आना शुरू हो चुका है। देखो हाँ, देखो कलर्स देखो इनका, देख रहे हो कैसा लग रहा है? ये शौक हो गया एकदम, पूरा शौक हो गया ये लोग, क्योंकि इन लोगों को देखा ही नहीं मैंने कब ऐड किया। और ये हाँ थाईलैंड का कोई कार्प है इम्पोर्टेड, तो वो 6 मछलियाँ मैं लेकर आया हूँ कोलकाता से। उसमें कबूतर भी है, कबूतर फिश भी है। रुको अभी हम इनको श्रिम्प्स देते हैं, ले खा ले भाई। तो खाना तो मस्त खा रहे हैं, नेट लगा हुआ है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे हम खाना देते तो काफ़ी सही से आते हैं खाने के लिए। और पीछे ऑडियंस देखो, ये देख रही है, ये देख रही है, मैं देख रहा हूँ, सुब्रजीत देख रहा है, हम सब इसका आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सारा कोई फिश रखा हुआ है, और आप लोग को अपडेट मैंने ऑलरेडी दिया है कि इसके ही बगल में हम यहाँ पे एक पॉन्ड बनाने वाले हैं, और वो पॉन्ड काफ़ी गहरा बनाएंगे और उसमें कोई फिश रखेंगे, और यही सब कोई फिश वहाँ पे डालने वाले हैं, और फिर फिल्टर डालने वाले हैं, और ऊपर शेल्टर भी रहेगा। तो गाइस देखो फिलहाल तो ऐसा है, अभी सिस्टमेटिक हुआ नहीं है, जुड़े रहिए, बहुत कुछ आने वाला है, सबको सिस्टमेटिक करने वाला है। यहाँ फ्लावर वगैरह मैं बोने वाला हूँ लेकिन एकदम समय नहीं मिल रहा, सब कुछ करना है मुझे यहाँ पे, तो बहुत कुछ आइडिया है अभी फ़िलहाल दिमाग में। और ये पूरा एरिया आप देख रहे हो, अभी फ़िश फार्मिंग मैं सोच रहा हूँ, लेट्स सी। और गप्पीज के फ्राइज हम ग्रो करेंगे यहाँ पे लाकर। हाँ फोटो कार्ड तुम्हार नो। तो गाइज मेरे पास ये है, इससे मैं मिट्टी खुदाई करने वाला हूँ क्योंकि हम यहाँ से अर्थवर्म निकालने वाले हैं। और ये देखो ये अर्थवर्म का जो भी है ऐसे मिट्टी से जब ऐसा रहता है ना ऐसे ऐसे वाले, तो यहाँ पे आपको 110% मतलब कि अर्थवर्म मिलना ही चाहिए। चल करके देखते हैं, आप छोटे वाले बेटा फिश के लिए एकदम परफेक्ट है। मैंने यहाँ पे एक और दिखा, एक और दिखा, ये देखिए देख एकदम छोटा, ये मस्त है एकदम छोटा दिख। ये दीमू की देखो, तुम ये बेटा फिश ब्रीडिंग है लिखा से दीमू की देखो, तुम ये जे की देखो की ऐसे दिखे। तो गाइस कितने उठा लिए हम लोगों ने, 1, 2, 3, इन तीनों को मैं देने वाला मॉन्स्टर टैंक में सिक्लिट्स को आज, और उनको हिकारी का खाना आज नहीं देंगे क्योंकि ये वाला देंगे खाना
और छोटे वाले को हम बेटा को देंगे, ठीक है। तो हमारा पहला वाला जा रहा है, देखो और देखते कौन खाता है। क्या लगता है आपको कौन खाने वाला है? मैं बोल रहा हूँ कि शायद ऑस्कर ना अटैक कर ले। अरे सही में इसने ले लिया पे। और इनका ना क्या एकदम सक्शन इतना पावरफुल होता है ना, ये पूरा जो है एकदम से सक कर लेते हैं और बाकी फिश को मिलता ही नहीं है। दूसरा वाला बड़ा वाला देते हैं, होपफुली हमारे सिकलेट खा पाए। थैंक गॉड सिकलेट ने ले लिया, पर इतने खाने से इनफ नहीं है, मुझे बाकी खाना भी देना पड़ेगा। तो चलिए बैक टू हमारा पहला वीडियो। तो गाइस पार्ट टू में आपने देखा कि इतने सारे कोई कलेक्शन और क्वालिटीज़ भी आपने देखा है, क्या ज़बरदस्त था। और इन्होंने मुझे बहुत सामने से भी दिखाया, तो आप बहुत ही हम्बल है, मुझे आके बहुत मज़ा आया। नहीं पर फिर भी बहुत लोग दिखाते नहीं अच्छे से, तो इन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया, अच्छा लगा। और यहाँ से मैं कोशिश करूँ कुछ फिश लेके जाने के लिए। एंड आपका भी एक चैनल है यूट्यूब में, तो इनके चैनल पर आप जाइए, मॉन्स्टर फिश जितने लोगों को पसंद है प्लीज़ जाकर एक बार देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या चैनल का नाम है? द मॉन्स्टर फिश वर्ल्ड। मॉन्स्टर फिश वर्ल्ड, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, आप जाना वहाँ से और इनको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसी को कोई भी क्विज वगैरह कोई भी जानकारी चाहिए, कोई इसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्विज का, कॉल स्लीपिंग डिजीज, वॉर्म्स प्रॉब्लम, जैसे कोई भी किसी का कोई भी दिक्कत आता है तो हमको व्हाट्सअप कर सकते, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन नंबर दिया सर, जितना मेरा नॉलेज है वगैरह जितना मेरा जानकारी है हम उससे हेल्प कर सकते हैं तो कर देगा। सोचो फ्री कंसल्टेंशन आपको मिल जा रहा है यहाँ से, तो आप डेफिनेटली मॉन्स्टर फिश के लिए तो पूछ ही सकते हो एंड इवन कोई फिश के लिए। तो गाइस होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा, लगाए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इनको भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए बाय, कुछ नए वीडियोज लेके जल्दी वापस आता हूँ। बाय।